हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2, द एरो एंड द सॉन्ग। दिस इज पार्ट ऑफ आवर यूनिट 1। यूनिट 1 में वी हैव टू चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर वी डिड वाज आफ्टर 20 इयर्स एंड दिस इज सेकंड चैप्टर व्हिच इज द एरो एंड द सॉन्ग। इसमें एक लिटरेचर वाला चैप्टर है और एक पोएम वाला चैप्टर है। टुडे वी आर डूइंग द पोएम। First exercise is warm up. So by the name, what do you think this chapter will have? The arrow and the song. The arrow and the song, इन दोनों के अंदर समानता दिखाई गई है। इन दोनों में क्या similarities हैं वो discuss की जाएंगी इस chapter में। तो warm up में read these lines from a poem. Do you agree with the poet? Share your views with your elbow partner. तो इसमें कुछ लाइंस दी गई हैं, इनको पढ़ना है पोएम में से एंड यू हैव टू टेल कि आप पोएट से एग्री करते हैं और अपने व्यूज जो है वो आपको अपने सिबलिंग्स से या फिर अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने हैं। सो दीज लाइंस से स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स। स्टिक्स एंड स्टोन्स जो होते हैं उनसे मेरी हड्डियां टूट सकती है, मतलब मुझे चोट पहुंच सकती है। बट वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी, लेकिन जो शब्द हैं उनसे भी मुझे चोट पहुंच सकती है। स्टोन एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन। स्टोन और स्टिक्स जो है वो सिर्फ स्किन पे या शरीर पे, बॉडी पे हर्ट करते हैं। वाइल वर्ड्स आर घोस्ट दैट हॉन्ट मी, जबकि वर्ड जो है वो भूत की तरह मुझे हॉन्ट करते हैं, मतलब मुझे बार बार याद आते हैं और मुझे बार बार हर्ट करते हैं वो। सो दीज लाइन्स आर रिटन बाय रूबी रेडफोर्ड। आप इन लाइनों से क्या समझते हो और आपके दिमाग में क्या बातें आती हैं और क्या आप एग्री करते हो इन बातों से? डू यू एग्री विद दीज लाइन्स? इफ यू एग्री और इफ यू डू नॉट एग्री, यू इन बोथ केसेस यू हैव टू शेयर योर व्यूज विद योर पेरेंट्स और विद योर सिबलिंग्स। व्हेन यू कम बैक टू स्कूल हम लोग क्लास में भी ये डिस्कस कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन रीडिंग पार्ट, लेट अस रीड अ पोएम वेयर पोएट टॉक्स अबाउट लविंग As opposed to hurting friends, हम ये पोएम पढ़ेंगे जिसमें पोएट दोस्तों को चोट पहुंचाने की बजाय उनको प्यार करने के बारे में बात करता है। Let's see what he has to say. I shot an arrow into the air. It fell to earth. I knew not where. अभी मैं ये स्टैंजा फर्स्ट पढ़ूंगा दोबारा से, धीरे धीरे पढ़ूंगा। You'll have to repeat it with me. You'll have to recite it with me. I shot an arrow into the air. It fell to earth. I knew not where. For so swiftly it flew, the sight could not follow in its flight. I'll read it again. I shot an arrow into the air. It fell to earth. I knew not where. For so swiftly it flew, the sight could not follow it in its flight. इसका मतलब है पैराग्राफ इस स्टैंजा का कि मैंने एक तीर चलाया हवा में, वो कहीं ना कहीं अर्थ पे गिरा जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि कहाँ गिरा वो, क्योंकि वो इतनी तेजी से उड़ा कि उसको जो साइट है, मेरी नजरें जो हैं, उसको उसकी उड़ान में फॉलो नहीं कर पाई। फ्लाइट मतलब उड़ान, तो जर्नी ऑफ द एरो, जो एरो की फ्लाइट थी, जो एरो की जर्नी थी हवा में, उसको मेरी नजरें फॉलो नहीं कर पाई। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, रीड इट विद मी। आई ब्रीद अ सॉन्ग इनटू द एयर। दिस इज इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ब्रीद, और अगर अकेला बी आर ई ए टी एच होगा तो उसको हम बोलेंगे ब्रेथ। अगर पीछे ई लगा हुआ है और डी भी लगा हुआ है तो इट इज कॉल्ड ब्रीद, ठीक है? और बी आर ई ए टी एच ई होगा तब भी हम इसको बोलेंगे ब्रीद, बी आर ई ए टी एच होगा तो उसको बोलेंगे ब्रेथ, ठीक है? आई ब्रीद अ सॉन्ग इन टू द एयर, इट फेल टू अर्थ, आई न्यू नॉट वेयर। मैंने एक गाना गाया, यहाँ पे ब्रीद का मतलब है गाया, क्योंकि जब हम सॉन्ग गाते हैं तो हम हवा एयर को ब्रीद करते हैं, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, उसी से हम गाना गा पाते हैं। हमारा जो वोकल कॉर्ड है, जो हमारा बॉक्स है यहाँ पे, वोकल कॉर्ड है हमारी,
ये हवा के अंदर आने और बाहर जाने इसी से वाइब्रेट होके साउंड प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए पोएट ने यहाँ पे ब्रीद वर्ड यूज किया है जिसका मतलब यहाँ पे है सैंग, गाना। मैंने एक गाना गाया हवा में, इट फेल टू अर्थ, मतलब वो जमीन पे गिरा, मतलब वो जमीन पे गिरा। तो जमीन पे गिरने का मतलब यहाँ पे है कि वो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, आई न्यू नॉट वेयर, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ गिरा, मतलब मुझे नहीं पता कि किन किन लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। अभी जो सिंगर्स गाना जिन्होंने गाया हुआ है उनको क्या पता है कि आपने भी गाना सुना है उसका, ही डजंट नो अबाउट इट, राइट। तो उसने एक गाना गाया हवा में, मतलब हवा में एज इन वी सिंग इट इन एयर एज, राइट, हम लोग गाना ऐसे ही गाते हैं जो कि आसपास हवा में इधर उधर प्रोपगेट करता है, सबको सुनाई देता है, जाता है। तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ और किस किस ने सुना। फॉर हु हैज साइट सो कीन एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि किसके पास इतनी तेज नजरें हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग नजरें हैं, दैट इट फॉलो, इट कैन फॉलो द फ्लाइट ऑफ अ सॉन्ग, फ्लाइट ऑफ सॉन्ग, कि वो सॉन्ग कहाँ जा रहा है, किस किस तक पहुंच रहा है गाना, आवाज किस किस तक पहुंच रही है, वो फॉलो कर सके, वो उसका ध्यान रख सके। ऐसी नजरें किसके पास है, किसी के पास भी नहीं होती, राइट। लॉन्ग लॉन्ग आफ्टर वर्ड्स इन एन ओक, मतलब बहुत बहुत समय के बाद एक ओक ट्री में, देखो ये ट्री है ना, इस तरह के ट्री को ओक ट्री बोलते हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ ट्री, वन काइंड ऑफ अ ट्री, राइट। आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोक, मुझे वो एरो मिल गया एक पेड़ में लगा हुआ, सी यहाँ पे लगा हुआ ना एरो पेड़ में, स्टिल अनब्रोक, और वो टूटा नहीं था अभी तक, लेकिन पेड़ को उसने जख्मी किया हुआ था, राइट। एंड द सॉन्ग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और गाना शुरुआत से अंत तक, आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड, मुझे कहाँ मिला वो, एक दोस्त के दिल में। तो उसका मतलब उसने एरो को और सॉन्ग को कंपेयर किया है, और कंपैरिजन में हमें क्या समझ में आया कि जिस तरह से एरो भी बहुत बहुत समय के बाद उसको एक पेड़ में लगा हुआ मिला, वैसे ही गाना भी उसे एक दोस्त के दिल में मिल गया, मतलब उस दोस्त को वो याद था गाना, तो उसने उसके साथ बात करते हुए उसको बताया होगा कि ये गाना मैंने सुना था, राइट। तो वो गाना भी किसी फ्रेंड को याद था। तो इससे वो पोइट क्या बताना चाह रहा है कि एरो जितना डैमेज करता है वैसे ही उतना ही या उससे ज्यादा डैमेज एक वर्ड, किसी के कहे हुए शब्द कर सकते हैं, लेकिन अगर वो शब्द अच्छे हो तो वो किसी का फायदा भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही एक तरीके से सेम सिमिलर तरीके से काम करते हैं। अगर एरो हर्ट करता है तो वर्ड्स भी हर्ट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट पोएट वांटेड टू शेयर विद अस। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, ये इनका नाम है, विल लर्न अबाउट पोएट लिटिल बिट। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, ही लिव फ्रॉम 1807 टू 1882। He was an American national, American poet who specialized in writing lyrical poetry. ये lyrical poetry लिखने में माहिर थे। Lyrical poetry होता है जिसमें lyrics होते हैं, ठीक है। His poetry shows great variety and experimentation with verse styles. ये अलग अलग तरह के experiments करते थे, तो इनकी poetry में ना बहुत different type की चीजें मिल सकती हैं आपको। डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे ये पोएट्री में, जैसे कि सिमिली और मेटाफर, इतना ही, देयर आर मल्टीपल अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो ये यूज करते थे। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अमेरिकन पोएट्स हु बिकेम फेमस इन यूरोप, ये पहले ऐसे अमेरिकन पोएट थे जो यूरोप में भी फेमस हुए, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइजेस, दिस इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें ए बी और सी ये तीन एक्सरसाइजेस हैं, ये तीनों की तीनों एक्सरसाइजेस हम लोग अपनी कॉपी में करेंगे। इनके आंसर्स जो है मैं आपके साथ पीडीएफ में शेयर करूंगा, यू विल हैव टू डू दीज दोस आंसर्स विद क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक इन अ वेरी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग। जब आप वापस आओगे स्कूल में तो दीज दिस कॉपी ऑफ योर्स विल बी चेक्ड। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रिशिएटिंग द पोएम, पोएम को अप्रिशिएट करना है। तो इसमें हम क्या किस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मेटाफर के बारे में, मेटाफर कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे। The arrow in the poem stands for the hurt that poet has caused his friends. तो वो कह रहा है कि arrow जो है इस poem में किस चीज के लिए दिखाया गया है, उस चोट के लिए जो poet ने अपने दोस्त को पहुंचाई है। When the poet uses words that are not to be taken literally but convey other meaning,
वो कह रहा है कि पोएट ऐसे वर्ड्स यूज करता है जिनको लिटरली नहीं लेना होता, हमें उस एरो को उसका लिटरल मीनिंग नहीं लेना है, हमें एरो का हमें लिटरल मीनिंग मतलब एरो का एरो नहीं मानना है, हमें एरो से वो कुछ और बताना चाह रहा है, एरो से वो क्या बताना चाह रहा है हमें कि वो जो उसने कड़वे शब्द बोले थे उसके बारे में वो एरो को बता के हमें समझाना चाह रहा है, वो बोल रहा है कि वो एरो जैसे हैं जो कड़वे शब्द हैं जो चुभते हैं। ही यूजेस अ मेटाफर, जब वो ऐसा करता है तो वो क्या इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है, वो मेटाफर यूज कर रहा है। उसने कंपेयर किया हर्टफुल वर्ड्स को, जो ऐसे वर्ड्स थे जो चोट पहुंचाते हैं या किसी को दर्द देते हैं, ऐसे वर्ड्स को वो एरो बोल रहा है। तो जब वो उसको उसने एरो से कंपेयर किया और उसको बोला कि वो एरोज एरो हैं, तो उसने क्या यूज किया, मेटाफर नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज किया, मेटाफर नाम का कॉन्सेप्ट यूज किया। अ मेटाफर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स, अभी एरो और चोट पहुंचाने वाले शब्द ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, दीज आर नॉट सिमिलर थिंग्स, लेकिन इन दोनों को कंपैरिजन, इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है, और जब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो हम तो बोलते हैं कि हम मेटाफर को यूज करके हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। इन दिस पोएम द एरो इज अ मेटाफर फॉर कॉजिंग हर्ट, इस पोएम में एरो जो है वो हर्ट के लिए मेटाफर है, ठीक है। हर्ट को किससे दर्शाया गया है, एरो से, तो एरो क्या हो गया, मेटाफर हो गया। कुछ और एग्जांपल्स हैं मेटाफर के, ही इज ए लायन इन बैटल, वो लड़ाई में शेर था, अब इंसान है, इंसान को शेर से कंपेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो शेर जैसा था, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला शेर जैसा था, अगर शेर जैसा बोलेंगे तो वो एक अलग चीज अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि वो शेर था उस लड़ाई में तो हम क्या यूज कर रहे हैं, मेटाफर, तो इसमें एक लायन क्या हो गया, मेटाफर हो गया। सिमिलरली आई एम ड्राउनिंग इन अ सी ऑफ ग्रीफ, मैं डूब रहा हूँ दुख के समुद्र में, अब दुख का समुद्र होता है कोई जैसे नहीं होता ना, तो बहुत सारा दुख जो है उसको समुद्र से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो ग्रीफ जो सी है, सी ऑफ सी जो है वो क्या हो गया, मेटाफर हो गया ग्रीफ के लिए। द स्नो वॉज अ वाइट ब्लैंकेट, जो बर्फ है वो एक वाइट चादर थी, तो स्नो को एक वाइट चादर से ब्लैंकेट से कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वाइट जो स्नो है वो ऐसी थी, वो बेसिकली एक वाइट चादर जैसी लग रही थी, उसको वाइट चादर ही बोल दिया, तो ये क्या किया उन्होंने, मेटाफर का यूज किया, जिसमें मेटाफर क्या है, वाइट ब्लैंकेट इज अ मेटाफर विच हैज बीन यूज फॉर स्नो। नाउ विल डू दिस एक्सरसाइज, अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा मेटाफर्स वाला। द फर्स्ट सेंटेंस इज शी इज एज वाइज एज एन आउल, वो एक उल्लू की तरह तेज है, चालाक है, वाइज मतलब बहुत अच्छा दिमाग होना या बहुत शार्प होना, इंटेलिजेंट होना, उसको बोलते हैं वाइज। तो शी इज एज वाइज एज एन आउल, वो एक उल्लू जैसी समझदार है, तो यहाँ पर उसको अगर सीधा उल्लू बोल देते तब तो मेटाफर होता, लेकिन उसको बोल रहे हैं कि वो उल्लू के जैसी वाइज है, तो ये एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में हम आगे सीखेंगे, तो ये मेटाफर तो नहीं है, अभी हम सिर्फ मेटाफर की बात कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट मेटाफर ओनली। तो सेकंड सेंटेंस में हम देखते हैं ही इज अ शाइनिंग स्टार, वो एक शाइनिंग स्टार है, तो जैसा तो नहीं बोला, तो इसके अंदर ये क्या है, एक मेटाफर है शाइनिंग स्टार। नेक्स्ट इज लाफ्टर इज द म्यूजिक ऑफ द सोल, हंसी जो है वो म्यूजिक है आत्मा के लिए, तो लाफ्टर को म्यूजिक से कंपेयर किया गया है, तो इसमें म्यूजिक क्या है, म्यूजिक इज, पहले अपनी लाइन सीधी करते हैं, दिस ओके, नेक्स्ट इज म्यूजिक इसमें क्या है, मेटाफर है, तो हमने उसको अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट इज द एलिगेटर हैज वाइट टीथ, इसमें किसी को किसी से कंपेयर ही नहीं किया, तो इसमें मेटाफर है ही नहीं। नेक्स्ट इज देयर आर कैटरपिलर्स इन द गार्डन, गार्डन में कैटरपिलर है, किसी से कंपैरिजन ही नहीं किया है, तो देयर इज नो मेटाफर इन दीज टू लाइंस। वी मूव ऑन टू नंबर सिक्स सेंटेंस, द पीसफुल लेक वाज अ मिरर, जो शांत लेक था वो एक शीशे जैसा दिख रहा था, क्योंकि उसमें उसको अपनी शक्ल दिख रही होगी, तो शीशे जैसा नहीं बोला, ऐसे बोला कि शीशा था, तो जब ऐसा बोलते हैं तो ये क्या होता है, मेटाफर होता है। द डिटेक्टिव लिसेंड विद अ वुडन फेस, और डिटेक्टिव का जो फेस है उसको कंपैरिजन किया वुडन फेस से, मतलब बिल्कुल स्थिर फेस था, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, कोई इमोशंस नहीं शो कर रहा था, क्योंकि जब हम इमोशंस शो करते हैं तो हमारी आईब्रोज ऊपर होती है नीचे होती है, हमारी आईज बड़ी होती है छोटी होती है,
लेकिन अगर कोई कुछ रिएक्शन ही ना दे किसी बात को सुन के, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो वुडन फेस जैसा है, वुडन फेस है उसका, ठीक है। नेक्स्ट इज हर हेयर वॉज अ फ्लोइंग गार्डन रिवर स्ट्रीमिंग डाउन हर शोल्डर्स, तो जो उसके हेयर्स हैं वो एक फ्लोइंग गोल्डन गार्डन, गोल्डन कलर के हेयर्स होंगे, एंड दे लुक्ड एज इफ दे वर गोल्डन रिवर। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हेयर्स है, उनको हेयर को कंपेयर किया है फ्लोइंग गोल्डन गार्डन रिवर से, तो इसमें फ्लोइंग गोल्डन रिवर क्या हो गया मेटाफर, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करके इनको अंडरलाइन कर लो, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक दैट यू हैव इन दिस चैप्टर इज रैम स्कीम। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बट दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट यू हैव। रैम स्कीम रेफर्स टू द ऑर्डर इन विच एन एंड वर्ड इन अ लाइन ऑफ अ स्टैंजा रैम्स। जो लास्ट लाइन है उसकी साउंड कैसी आती है विद द अदर एंड वर्ड्स इन द स्टैंजा, बाकी के एंड के वर्ड से उस स्टैंजा के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसे देखते हैं, हुज वुड्स डोज आर आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज इन द विलेज दो, अब नो और दो। Whose woods those are? I think I know. His house is in the village though. No or do, दोनों की same sound आ रही है, तो ये क्या हो गए A और A, मतलब A A लिख दिया इनके आगे कि इन दोनों की sound बिल्कुल same आ रही है। अब next line लिखेंगे He will not see me stopping here to watch this woods, to watch his woods fill up with snow, जिसमें hair और snow इनकी sound different है, तो hair को हम next word next letter दे देंगे B, और snow स्नो की जो साउंड है वो हेयर से डिफरेंट है, लेकिन अगर हम ऊपर के वर्ड देखें नो दो स्नो, इनकी साउंड तीनों की सेम है, तो इन तीनों को हमने सेम लेटर से डिनोट कर दिया है। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हुई, ए ए बी ए। इन दिस स्टैंजा द लास्ट वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ लाइन राइम। इस स्टैंजा में फर्स्ट सेकंड और फोर्थ लाइन के जो लास्ट वर्ड्स हैं ये राइम कर रहे हैं, ठीक है, इनकी साउंड सिमिलर है, इसलिए इसकी राइम स्कीम क्या हुई ए ए बी ए। एट द बॉटम ऑफ माई गार्डन देयर्स हेजहॉग एंड अ फ्रॉग। अब गार्डन और फ्रॉग दोनों अलग अलग हैं, तो हमने फर्स्ट को दे दिया ए, नेक्स्ट फ्रॉग अलग साउंड है इसको बी दे दिया, नेक्स्ट एंड अ लॉट ऑफ क्रीपी क्रॉलीज। अब नेक्स्ट वर्ड ये भी डिफरेंट है, गार्डन फ्रॉग क्रॉलीज सारे अलग अलग हैं, इसको हमने सी दे दिया। फिर है लिविंग अंडरनीथ अ लॉग, अब फ्रॉग और लॉग ये दोनों राइम कर रहे हैं, तो इन दोनों को हमने सेम लेटर दे दिया बी एंड डी। तो इसकी रैम स्कीम क्या हो गई बी ए बी ए बी सी डी ए बी सी डी, तो हमने यहाँ लिख दिया ये। अब हमें क्या करना है, एक एक्सरसाइज दी हुई है हमें बी, मार्क द रैम स्कीम ऑफ द पोएम द एरो एंड द सॉन्ग। जो पोएम हमने पढ़ी ना इसकी हमें रैम स्कीम मार्क करनी है, चलो हम देखते हैं इसकी रैम स्कीम क्या होगी। लेट्स गो बैक टू द पोएम। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, एयर वेयर दोनों की साउंड सेम है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एयर के आगे A, where क्या ये भी A, फिर for so swiftly it flew, the sight could not follow it in its flight। अब ये sight flight दोनों same word है, same similar sound आ रही है ना इनकी, तो ये rhyming बहुत जरूरी है। तो इसकी क्या हुई rhyme scheme, first stanza की A A B B, next stanza हम देखते हैं generally एक poem के अंदर ना same ही rhyming scheme follow होती है, तो first stanza में अगर A A B B है तो second में भी same ही होगी। देखते हैं अपने इसमें क्या है, A air where A, A. फिर स्ट्रॉन्ग सॉन्ग बी बी, फिर नेक्स्ट ओक अनब्रोक ए ए, फिर एंड फ्रेंड बी बी, ठीक है, वो सिंपल राइट। तो अभी आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। चलो हम लोग आगे चलते हैं, हम लोगों ने यहाँ तक का काम अपना कर लिया है। नाउ राइटिंग पार्ट में हमें ये पोएम कंप्लीट करनी है, कंप्लीट दिस पोएम बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। राइट राइमिंग वर्ड यूज करने हैं हमें इस पोएम को फिल करने के लिए, ठीक है, ये वर्ड्स दिए गए हैं ऊपर जिनको यहाँ पे फिल करना है, और हमें इसको ना बता दिया गया है कि राइम स्कीम क्या है ए बी ए ए बी। तो हमने यहाँ पे एक बार पहले राइम स्कीम लिख लेते हैं इसकी, क्या है ए बी ए ए बी, तो पहले हम इसकी राइम स्कीम लिख लेते हैं ए बी और एक लाइन इस पर
बी ए इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ लाइन ये राइमिंग वर्ड है और सेकंड और लास्ट फिफ्थ लाइन इनके जो वर्ड है ये सेम साउंड के हैं, बोथ के बाद उसके जैसा ही साउंड का नेक्स्ट वर्ड आएगा। तो लेट्स सी कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए। थोड़ा सा हमें पॉइंट पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा हमें राइमिंग स्कीम से हिंट लेना पड़ेगा। तो हम देखते हैं क्या लिखे हम। छोटा कर लेते हैं पेन का फॉन्ट, फॉन्ट का छोटा कर लेते हैं। टू रोज डाइवर्ज इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। दो रोज जंगल में येलो कलर की लीव्स होंगी वहां पे पेड़ होंगी, तो उस जंगल में दो रोज अलग अलग जा रही थी और मैं दोनों रोड पर चल जा सकता था। एंड आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रोड पर नहीं जा सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई, और एक ट्रेवलर के ट्रेवलर होने के नाते मैं काफी देर खड़ा रहा। यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये वुड से राइमिंग होनी चाहिए इसकी, वुड से, ठीक है। तो वुड से राइमिंग वाले वर्ड ऊपर कौन से हैं, अंडरग्रोथ, वियर, सेम, स्टूड, ले, दैट। तो एक ही वर्ड है स्टूड, तो हम क्या लिख देंगे, वुड से राइम करने वाला एक ही वर्ड है स्टूड, वो लिख लिया हमने। अब नेक्स्ट वर्ड भी चाहिए ना हमें बोथ से राइमिंग वाला वर्ड, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, बोथ जैसे रहना चाहिए। क्या लग रहा है, अंडर ग्रोथ भी को लग रहा है, और भी कोई है, बियर से स्टूड ले दैट बाय हैंस ले, नहीं है, तो इसका मतलब आंसर तो अंडर ग्रोथ ही होगा। तो हम वैसे पढ़ लेते हैं इसको। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, यहाँ पे आएगा अंडर ग्रोथ, ठीक है। ऐसे ही होना इसकी रानी इसको भी देखते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा। ए बी ए ए बी, तो फिर जो फर्स्ट वाला ब्लैंक है इसका इससे राइम होना चाहिए। फेयर डैश फेयर, फेयर देयर राइम कर रहे हैं, वैसे ही फेयर जिसे राइमिंग बोल यहाँ पे कौन सा है, अंडरग्रोथ, देयर, सेम, ठीक है। फेयर जैसा राइमिंग वर्ड ऊपर एक ही है, विच इज वेयर, वेयर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द, ये वाला किससे होना चाहिए राइम, क्लेम्स है बी बी वाले। क्लेम जैसा कौन सा वर्ड है, अंडरग्रोथ, वियर, सेम, स्टूड, ले, दैट, बाय, हैंड्स, पे। तो मतलब मुझे तो सेम लग रहा है ना, आपको भी लग रहा है सेम, ठीक है, फ्रेंड सेम लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वाला स्टैंडर्ड में भी हम पहले रनिंग स्कीम देते हैं। ए बी ए ए बी, चलो जैसे हम देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली, अब इसमें ए ए वाले दो फिल्म लाइन दिया है, थर्ड ए वे, तो वे जैसा साउंडिंग होना चाहिए, राइमिंग होना चाहिए, ठीक है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली, अब इसमें डे जैसे कौन से हैं, ले और डे, तो ये दो लग रहे हैं, इन दोनों में से कौन सा आना चाहिए। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली, यहाँ पे आएगा ले। इन लीव्स नो स्टेप एट टॉटन बैक ब्लैक हो आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर, यहाँ आएगा डे, ले डे वे, हो गया ना ये तीनों राइमिंग हो गए। अब इसमें हम देखते हैं ये वाला ब्लैक, और सिमिलर साउंडिंग वर्ड होना चाहिए जो इसके लास्ट में आएगा, ब्लैक जैसा। तो यहाँ पे कैसा कौन सा दिख रहा है, तो ब्लैक ही लग रहा है, ब्लैक जैसा, तो है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्लैक, सिमिलरली यहाँ पे भी हम पहले राइमिंग स्कीम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ए ए वाली साउंड के वर्ड्स कौन से हो गए, साई, आई, यहाँ पे
फिल इन द ब्लैंक है, फिर ये वाले बी वाले होंगे, ये वाला और लास्ट का डिफरेंस जैसा कौन सा दिख रहा है इसमें से, डिफरेंस जैसा हेंस दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हेंस, हेंस और डिफरेंस देखो दोनों की सेम साउंड होगी पीछे, तो बी बी वाले सेम साउंड के होंगे, ए ए ए वाले सेम साउंड होंगे, साई आई एंड कौन सा रहेगा बाय, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको पॉज करके इसको अपनी बुक में लिख लो, फिर हम इसका वर्क मतलब देख लेते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, दो रोड्स जंगल में अलग अलग जा रही थी, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल मोर, और मैं दोनों रोड्स पर ट्रेवल तो नहीं कर सकता था, एंड वी वन ट्रेवलर, और एक राहगीर ट्रेवलर होने के नाते मैं वहां पे खड़ा रहा, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक की मैं खड़ा होकर देखता रहा दूर तक, जहां तक मैं देख सकता था वहां तक मैं देखता रहा, टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्राउंड, जहां से वो मुड़ गया मुड़ गई और नीचे की तरफ जा रही थी वो, ठीक है। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, और मैंने दूसरी रोड ले ली मुझे वहां पे, क्योंकि अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा, मुझे लगा मुझे दूसरी रोड लेनी चाहिए, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसका मुझे लग रहा था कि इस पे रस्तर मतलब जहां वो जाना चाह रहा था अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बेटर चांसेस हैं इस रोड से, जो रोड पे भी उस रोड पर, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, दो एज फॉर दैट पासिंग वेयर एट वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, तो उसको सड़क पर लगा कि यहाँ से कुछ लोग पहले गए हुए हैं, तो उसको लगा कि इस रोड से जाना ठीक रहेगा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, हु आई आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, ओके मैंने भी आपको ना दो स्टैंडर्ड्स के मतलब बता दिए हैं, इन दो स्टैंडर्ड्स के मतलब यू विल हैव टू ट्राई ऑन योर ओन, एंड व्हेन वी कम बैक टू स्कूल वी विल डिस्कस दीज टू पैराग्राफ्स एज़ वेल, ठीक है। नाउ द लास्ट पार्ट इज यू राइट अ शॉर्ट पोएम ऑन फ्रेंडशिप, ये लिखनी है, ये मैं पीडीएफ में आपको शेयर करके पीडीएफ में लिख के आपसे शेयर करूंगा मैं, ठीक है, ये भी आपको अपने नोटबुक में लिख लिया है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज माई वर्ड बैंक, माई वर्ड बैंक पे द वर्ड फ्लाइट हैज बीन रिपीटेड इन दिस पोएम नंबर ऑफ टाइम्स, फ्लाइट वर्ड जो है कई बार रिपीट किया गया है, तो इस फ्लाइट वर्ड का सिनोनिम लिखने हैं दो, तो वो सिनोनिम्स क्या है, फर्स्ट सिनोनिम इज सोरिंग, नेक्स्ट सिनोनिम इज गेट अवे, ठीक है, फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान भरना, सोरिंग का मतलब ही सेम होता है, और फ्लाइट का दूसरा मतलब होता है गेट अवे, कहीं दूर चले जाना, निकल जाना या भाग जाना, ठीक है। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, द क्वेश्चन आंसर्स दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू इन अ पीडीएफ फॉर्मेट, यू विल हैव टू डू दोज इन योर नोटबुक इन अ वेरी क्लीन हैंडराइटिंग, और यू विल हैव टू ट्राई दैट यू डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स, कोई भी मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि हम देख के लिखेंगे पीडीएफ में से, तो आपको अपनी नोटबुक में लिखते हुए कोई भी मिस्टेक्स नहीं करनी है, एंड यू विल हैव टू राइट वर्ड मीनिंग्स, तो इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं यहाँ पे, मेरे वर्ड मीनिंग्स, इन वर्ड मीनिंग्स को अपनी कॉपी में लिखना है, पहले आपको चैप्टर का नाम लिखना है, चैप्टर नंबर लिखना है, चैप्टर टू द एरो एंड द सॉन्ग, फिर आपको वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं ये, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है जो पीडीएफ में शेयर की जाएगी, ठीक है। ऑल राइट, नाउ दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड, थैंक यू।